हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एरिया एंड पैरामीटर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? कोई भी क्लोज शेप हो, क्लोज होनी चाहिए, चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर शेप हो या फिर रेक्टेंगल शेप हो, क्या होना चाहिए? सबसे पहले वो क्लोज होनी चाहिए। उसकी जो बाउंड्री है, बाउंड्री क्या होती है? ये कोई हमने क्लोज शेप ली, इसकी जो बाउंड्री है इनकी टोटल लेंथ क्या होती है? पैरामीटर। डेफिनेशन से देखो, द एंटायर लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज फिगर इज नोन एज पैरामीटर। कोई भी क्लोज फिगर है, चाहे वो रेक्टेंगल शेप में हो, ट्राइंगल शेप में हो या फिर स्क्वायर शेप में हो, उसकी बाउंड्री की लेंथ, जो भी बाउंड्री है, चाहे तीन बाउंड्री हो, चार बाउंड्री हो, पांच बाउंड्री हो, जितनी भी बाउंड्री है, मतलब जितनी भी साइड्स हैं, उनकी टोटल लेंथ को हम बोलते हैं पैरामीटर। जैसे कोई पार्क है, ये रेक्टेंगल पार्क है कोई, ठीक है, आप बोलोगे कि इस पार्क का पैरामीटर निकालो। तो पैरामीटर हम इसका कैसे निकालेंगे? इसकी बाउंड्री मतलब लेंथ और ब्रेथ, इसकी टोटल लेंथ और ब्रेथ जो है उसको हम मेजर कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा? इसका पैरामीटर हो। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें क्या है, ये साइड है 5 सेंटीमीटर, ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। तो हमें बोले कि इसका पैरामीटर निकालो, तो हमने क्या पढ़ा था कि लेंथ ऑफ बाउंड्री, इनकी बाउंड्री की जो लेंथ है उन्हें को हम क्या बोल रहे हैं? पैरामीटर बोल रहे हैं। तो क्या क्या ऐड हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर क्या है? इसका पैरामीटर है, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? पैरामीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसकी जो बाउंड्री की लेंथ है उन सबको हमने ऐड कर लिया, और बाउंड्री की लेंथ को जब हम ऐड करते हैं तो वो क्या होता है? वो पैरामीटर होता है। अब हम देखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, कि कोई भी रेक्टेंगल शेप है उसका हम पैरामीटर किस तरह निकालते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की जो साइड्स है, अपोजिट साइड्स है, वो क्या होती है? इक्वल होती है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भी क्या हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी क्या हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। हम रेक्टेंगल की डेफिनेशन यही तो पढ़ते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल हो जाएंगी। तो अगर हमें कोई एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया है 6 सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी क्या है? 6 सेंटीमीटर। ये वाली साइड है 3 सेंटीमीटर और ये भी है 3 सेंटीमीटर। तो हमें इसका पैरामीटर निकालना है। यहां से हम या तो डायरेक्ट निकाल लें, क्योंकि हमें पता है कि बाउंड्री की जो लेंथ है, बाउंड्री की जो लेंथ है उन सबका हमें सम करना है, तभी हम क्या निकालेंगे? पैरामीटर निकाल सकते हैं। तो या तो आप इस तरह कर लो, 6 सेंटीमीटर प्लस, इसके अपोजिट साइड में भी क्या है? 6 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, ठीक है। या तो आप इस तरह निकाल सकते हो, या फिर यहां से क्या आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर। या फिर अगर आपको पता है कि आमने सामने की जो साइड्स है वो इक्वल है, तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ की साइड, लेंथ जो है, लेंथ हमें दे रखी है इक्वल है, ठीक है, तो लेंथ भी इक्वल है और ब्रेथ भी इक्वल है। तो यहां से हम डबल ले सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप इनको 2 बार ऐड कर रहे हो, इनको भी 2 बार ऐड कर रहे हो, तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई लेंथ क्या दे रखी है? 6, ब्रेथ क्या दे रखी है? 3, 2 मल्टीप्लाई 6 और 3 9, यहां से क्या आ गया? यहां से भी हमारा आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हमें अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन दे रखा हो कि पैरामीटर 20 सेंटीमीटर है, लेंथ 4 सेंटीमीटर है और हमें क्या फाइंड करना है? हमें इसकी ब्रेथ फाइंड करनी है। तो
तो हम किस तरह यूज करेंगे इसका? हमने देखा था कि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर, ठीक है, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ से हम यूज करेंगे, पैरामीटर कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या आ गया 22 × लेंथ हमें कितनी गिवन है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें पता नहीं है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू। अब इस 2 को आप पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देन आप इसको ब्रेथ से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 4 8 सेंटीमीटर प्लस 2 × ब्रेथ 2b, ठीक है। यहां से आप क्या करोगे, आप 20 सेंटीमीटर ये 8 सेंटीमीटर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे इज इक्वल्स टू 2b, 20 − 8 सेंटीमीटर क्या आ गया 12 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2b। अब यहां से आप इजीली ब्रेथ फाइंड कर सकते हो, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/2 क्या आ गए 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ब्रेथ आ गई 6 सेंटीमीटर, क्या आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में पुट करके देखो, 2 × 6 + 4 कितने होते हैं 10 होते हैं इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। मतलब आपने जो ब्रेथ निकाली है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ से हमने ब्रेथ जो है 6 सेंटीमीटर ली, तो यहाँ से क्या आया हमारे पास 20 सेंटीमीटर ही पैरामीटर आया, ठीक है। और क्वेश्चन में भी हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा था, तो हमारा आंसर क्या हो गया राइट हो गया। पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें लेंथ और ब्रेथ रेशियो के फॉर्म में दे रखी है 9:4 और हमें पैरामीटर दे रखा है 52 सेंटीमीटर और हमें क्या करना है इसकी साइड फाइंड करनी है। मतलब कोई रेक्टेंगल इस तरह से है 9:4 में, ये क्या है रेशियो है, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे एक्स, मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू या फिर कोई भी वेरिएबल्स लगा देंगे यहाँ पे एक्स या वाई कुछ भी, ठीक है। तो अब यहाँ से पैरामीटर किस तरह निकालते हैं, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है, ये रेक्टेंगल के पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला है। पैरामीटर हमें क्या दे रखा है 52 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 × लेंथ हमें क्या दे रखी है रेशियो की फॉर्म में, लेंथ और ब्रेथ हमें रेशियो की फॉर्म में दे रखी है, तो हमने 9 को मान लिया 9x और ब्रेथ को क्या ले लिया हमने 4x। हमने ये x को लगाया ताकि हमारे जो इक्वेशन बने उसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 52 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 × 9 और 4, 9 और 4 को ऐड करोगे क्या आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 13x। 52 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 26x। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 52/26 क्या आ गया 2, मतलब इस x की वैल्यू क्या आई है 2। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो यहाँ से लेंथ हमारी क्या आ जाएगी, क्या थी 9x, 9 × 2 क्या आ गई 18 सेंटीमीटर, क्योंकि पैरामीटर क्या है हमारा सेंटीमीटर में है, तो लेंथ भी क्या आ जाएगी सेंटीमीटर में। ब्रेथ कितने दे रखी है 4x, 4 × 2 क्या आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। अब यहां से पुट कर दो क्या आया 18, 18, ये क्या आई हमारे पास 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर, 18 + 18 + 8 + 8 क्या आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो हमारा जो आंसर निकल के आया है वो बिल्कुल राइट है, हमने जो x की वैल्यू निकाली है वो राइट है। क्या निकाला था क्वेश्चन में, साइड से तो निकालने थे, ये क्या है साइड से तो है इसकी, ये लेंथ हो गई ये ब्रेथ हो गई, हमें पहले रेशियो की फॉर्म में दे रखी थी, हमने इसको सेंटीमीटर जितने भी सेंटीमीटर आई हमने ये इनको निकाल ली। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, अब हम देखेंगे कि स्क्वायर का पैरामीटर किस तरह निकालते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, जैसे कोई क्यूब है या फिर कोई डाइस है उनकी सारी साइड्स क्या होती है इक्वल होती है।
ये साइड और ये साइड चारों इक्वल होती है। तो अगर आपको कोई एग्जांपल दे कि 4 सेंटीमीटर इसकी ये साइड है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसकी जस्ट अपोजिट वाली भी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ये वाली भी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। यहाँ से स्क्वायर का पैरामीटर क्या आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से 4 मल्टीप्लाई साइड। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि चारों साइड इसकी क्या है इक्वल है, तो हम इसका फॉर्मूला इस तरह बना सकते हैं 4 मल्टीप्लाई साइड। जैसे हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ से क्या आ गया 16 सेंटीमीटर, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16 सेंटीमीटर। अगर आप चारों को अलग अलग ऐड करते हो तो भी एक वैल्यू आती है, या फिर अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो कि 4 मल्टीप्लाई साइड, तो यहाँ से भी सेम वैल्यू आती है कि आ गई 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 2x सेंटीमीटर। मतलब कोई भी एक स्क्वायर है, ठीक है, उसकी साइड क्या है 2x है और इसका पैरामीटर हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालनी है, इस x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकलेगी तभी तो इसकी साइड की प्रॉपर वैल्यू क्या है वो हमें पता चलेगी। तो हमने स्क्वायर का पैरामीटर क्या पढ़ा था, 4 मल्टीप्लाई साइड। ये किसका फॉर्मूला है, स्क्वायर का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो हमें पैरामीटर कितना दे रखा है यहाँ से 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड हमें दे रखी है x की फॉर्म में 2x, ठीक है। 40 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 8x, यहाँ से आ गया हमारे पास 8x। जब आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 40/8 यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर में है, तो हमारी जो साइड आएगी x की वैल्यू जो आएगी वो भी सेंटीमीटर में आएगी। तो यहाँ से साइड क्या दे रखी थी, साइड हमें गिवन थी 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब ये जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर की है। जब आप इनको ऐड करोगे आंसर क्या आएगा 40 सेंटीमीटर। मतलब ऐड करने करके हम क्या निकालते हैं, पैरामीटर निकालते हैं, तो इसका पैरामीटर वापस क्या आ गया 40। तो मतलब हमने जो साइड निकाली है 10 सेंटीमीटर वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो और उनके अंदर बनने वाले जो एंगल्स हैं वो सारे इक्वल हो, मतलब 60-60 के हो और जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हो। तो इस टाइप के जो ट्रायंगल्स होते हैं उनका पैरामीटर क्या होता है, इनके पैरामीटर को हम निकालते हैं 3 मल्टीप्लाई साइड। 3 मल्टीप्लाई साइड क्यों लिया हमने, क्योंकि साइड्स कितनी इसकी 3 साइड्स है और तीनों साइड इक्वल है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं पैरामीटर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई साइड। किसके लिए, फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। जैसे हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है जिसकी जो साइड्स है वो 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भी क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। क्योंकि ये इक्विलेटरल है मतलब इसकी तीनों साइड्स क्या है आपस में इक्वल है, तो यहाँ से हम फॉर्मूला क्या निकालेंगे, पी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई साइड क्या रखी है 6, तो P इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। यहाँ से इसका पैरामीटर क्या आ गया 18 सेंटीमीटर। और अगर आप इनको इस तरह ऐड करते हो 6 प्लस 6 प्लस 6, तो यहाँ से भी क्या आएगा 18 सेंटीमीटर। तो हमने जो फॉर्मूला यूज किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आया 18 सेंटीमीटर। और अगर हम इनको अलग अलग साइड्स को ऐड करते हैं आपस में तो भी हमारा क्या आ रहा है 18 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। पहले हमने पढ़ा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल मतलब इसकी साइड्स क्या है सारी अलग अलग है, हमने कोई ऐसा ट्रायंगल लिया है जिसकी सारी साइड्स अलग अलग है, तो इनका पैरामीटर हम किस तरह निकालेंगे, सम ऑफ साइड्स। जो इसकी साइड है 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इनको आप क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो यहाँ से हमारे ट्रायंगल की वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 8 प्लस 5 प्लस 4, यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये किसका आ गया, ट्रायंगल का।
मतलब अगर सारी साइड्स इक्वल हो तब तो आप क्या यूज करोगे, पैरामीटर इज इक्वल टू 3 × साइड्स। और अगर साइड्स अलग अलग हैं तो आप इनका जितनी भी साइड्स हैं उनकी लेंथ को आप सम कर दोगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास पैरामीटर ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, ऐसी कोई क्लोज शेप जिसकी साइड्स क्या हो, या तो 3 हो या 3 से ज्यादा हो। अगर 3 साइड होगी तो वो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। कैसे, अगर 3 साइड है इस तरह से वो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। और अगर 4 साइड है तो या तो स्क्वायर बनेगा या फिर रेक्टेंगल बनेगा या फिर इस तरह की कोई शेप बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हम 3 साइड होगी तो उसको हम क्या नाम देंगे, ट्रायंगल का। 4 साइड होगी तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। अगर कोई क्लोज शेप है उसके 5 साइड है तो हम उसको बोलते हैं पेंटागन। 6 साइड को हम बोलते हैं हेक्सागन। तो इस तरह जितनी भी साइड्स होंगी उन सबको मिला के क्या बनते हैं, पॉलीगन्स बनते हैं। मतलब 3 से ज्यादा साइड्स होगी, 3 या 3 से ज्यादा साइड्स होंगी वो किसमें आएंगी, पॉलीगन में। तो पॉलीगन के पैरामीटर निकालने के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, n × साइड्स का मतलब क्या है, n क्या है, नंबर है, नंबर ऑफ साइड्स। वो क्या होंगे, 1, 2, 3 से 1, 2 तक तो आएंगे ही, कहां से स्टार्ट होंगे, 3 या 3 से ज्यादा। तो अगर ये ट्रायंगल है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 3 × साइड्स। स्क्वायर भी निकाल रहा तो 4 × साइड्स। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि आपको पैरामीटर निकालना है पेंटागन का, पेंटागन का आपको पैरामीटर निकालना है, तो पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, पेंटागन मतलब 5 साइड, 1, 2, 3, 4, 5, ये कोई 5 साइड्स है। आपको इसका पैरामीटर निकालना है तो इसकी साइड्स कितनी है, 5 साइड्स है। ठीक है, तो 5 × साइड्स मतलब जितनी भी साइड्स है, ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ साइड्स है उनको इक्वल हम सबको ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है 2 cm, तो ये भी क्या हो जाएगी, 2 cm, ये भी 2 cm, ये भी 2 cm और ये भी 2 cm। आप इन पांचों को ऐड कर लोगे, साइड की वैल्यू क्या दे रखी है, 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 cm। तो मतलब क्या है कि आपको जितनी भी साइड्स दे रखी है नंबर ऑफ साइड्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको पेंटागन की पूछे तो आप 5 × साइड्स, और अगर हेक्सागन की पूछे तो 6 × साइड, ऑक्टागन की पूछे तो 8 × साइड, नोनागन की पूछे तो 9 × साइड। इस तरह से आप पॉलीगन का पैरामीटर निकालोगे। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि द कॉस्ट ऑफ पुटिंग फेंस अराउंड ए स्क्वायर फील्ड एट ₹25 per meter इज ₹1500। मतलब कि ₹25 per meter के हिसाब से कितने रुपए लगे हैं, 1500 रुपए लगे हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड, तो हमें फील्ड की साइड निकालनी है, कोई स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, कोई स्क्वायर फील्ड है और कोई भी मतलब उसके ऊपर कुछ फेंस किया गया है या फिर उसमें कुछ भी रिपेयरिंग का काम हुआ है या फिर पेंटिंग का काम हुआ है, तो किस हिसाब से हुआ है, ₹25 per meter। ठीक है, ये रेट थे कि 1 meter के ₹25 लगेंगे और उन्होंने रुपए कितने दिए थे, 1500। ठीक है, तो 1500 रुपए दिए थे, मतलब 1500 में कितने मीटर आ रहे हैं, तो आप 1500 को आप 25 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 60 meter। मतलब इसका ये जो टोटल है बाउंड्री, टोटल बाउंड्री कितनी आएगी इसकी, 60 meter, और टोटल बाउंड्री की जो लेंथ है उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर। तो ये 60 क्या हो गया, यहाँ पे पैरामीटर हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पूछा है, इस फील्ड की साइड पूछी है, तो साइड हम स्क्वायर की साइड हम किस तरह निकालते हैं, पैरामीटर इज इक्वल टू 4 × साइड। ये स्क्वायर के लिए पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है, पैरामीटर हमें गिवन है 60 meter। ठीक है, 4 × साइड। तो यहाँ से आप साइड किस तरह निकालोगे, 60 upon ये 4 क्या आ जाएगा, अपॉन में इज इक्वल टू साइड। यहाँ से आप इनको डिवाइड करते हो, डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 meter। ये क्या आ गई, ये हमारी साइड आ गई, ये 15 meter,
ये 15 मीटर, ये 15 मीटर और ये 15 मीटर। टोटल करो पैरामीटर क्या आ गया 60 मीटर। और यहाँ पे हमें क्या बोला गया था कि एक मीटर के 25 रुपीज लगेंगे, एक मीटर के 25 रुपीज। तो 60 मीटर के कितने लगने चाहिए, 60 मल्टीप्लाई 25 क्या आ जाएगा 1500। ये हमारा क्या आ गया 1500 आ गया। तो यहाँ से हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन। इस तरह हम एरिया निकालेंगे और अलग अलग शेप के एरिया किस तरह निकलते हैं, उनके क्वेश्चंस किस तरह होते हैं, ये हम सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।